और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आपको सुकून मिलेगा। इंडिगो की एक फ्लाइट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की वजह से एक शख्स की जान बचाई जा सकी। कल दरअसल इंडिगो फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसे चक्कर आने लगे, जिसके बाद डॉक्टर भागवत मदद के लिए आगे आए। उनकी वजह से इस शख्स की जान बचाई जा सकी। ये फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जा रही थी। बाद में इस घटना की तस्वीरें इंडिगो एयरलाइंस ने ट्वीट की और केंद्रीय मंत्री का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर को रिट्वीट करते हुए डॉक्टर भागवत कराड़ की तारीफ की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए लिखा, वो दिल से एक डॉक्टर हैं, हमेशा मेरे सहयोगी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ एक जाने माने सर्जन भी हैं। मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था, साधारण 1:30 बजे का टाइम होगा, फ्लाइट चल रही थी बॉम्बे की तरफ, और उसी टाइम एयर होस्टेज चिल्ला रही थी कोई डॉक्टर है कोई डॉक्टर है। मैं 1 नंबर सीट पे बैठा था और मैं मुखड़ा होगा क्या होगा बोल के, तो एक पेशेंट नीचे दोनों पैसेज के नीचे सोया था। मैं देखा जाके तो सब लोग, सब एयर होस्टेस और सब लोग खड़े थे उधर, तो वो श्वास ले रहा था लेकिन उस पूरा पसीना था। उसे इमीडिएट कपड़े निकाला, उसको हवा आई और बाद में देखा तो उसका पल्स थोड़ा वीक था, तो इमीडिएटली उसके पाँव ऊपर किए। मैं समझ गया कि उसका ब्लड प्रेशर बीपी लो हो गया, तो उसको पाँव ऊपर कहे, उसको लोग पानी पिला रहे थे, मैं पानी नहीं पिलाया, उसको ऊपर पाँव ऊपर करके थोड़ा श्वास कैसे छाती को थोड़ा मालिश करे, तो उसके श्वास तो चाची चल रही थी, उसकी पल्स भी आ गई और उसके बाद उसको ग्लूकोज, ये हाइपोग्लोसीमिया और हाइपोटेंशन ये दोनों चीज़ के हो सकता है, तो मैं ग्लूकोज दिया और ग्लूकोज देने के बाद 1/2 घंटे के बाद पेशेंट ठीक हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।